अगर शाहरुख खान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलना चाहते हैं तो आए पाकिस्तान, तो उनके कहने से वो आ जाएंगे। देखिए बात ये, उनका कहना, उनके आना ना आना एक अलग बहस है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है ना, इंडिया की टीम अगर फर्ज कर ले नहीं आती ना, पहले तो वो सबसे ये कहना अपनी अपनी हुकूमत को कहेंगे इंडिया की टीम को पाकिस्तान भेजा जाए, तो उनके कहने से वो भेज देंगे। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, बल्कि ये चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में कराई जाएगी, दुबई में करवाई जाएगी, और पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स वापस लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जय शाह यूं उंगलियों पर नचा रहे हैं, इसके बारे में क्या मैं बोलूं, तो बोलूं क्या, करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं, हम पाकिस्तानी क्या करें, मर जाएं, नहीं हम खुदकुशी करें तो करें क्या भाई, गटर में कूद के जान दे दे अपनी। इंडिया का क्रिकेट बोर्ड जो है वो तैयारी कर रहा है इंडिया की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान भेजने के लिए, लेकिन साथ साथ वो एक और काम भी कर रहे हैं कि बी या सी टीम को जो है वो पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर रहे हैं, और उसके अंदर कोई स्टार खिलाड़ी जो है वो इंडिया की टीम के अंदर नजर नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका सुपर पावर इंडिया न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया और खास करके पाकिस्तानी फॉर्मर खिलाड़ी सलमान बट का रिएक्शन, जिस तरह से बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला का बयान आया है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग को लेकर। दरअसल आप सबको बताए कि राजीव शुक्ला ने कहा है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेलने भारतीय टीम पाकिस्तान में तभी जाएगी जब भारतीय गवर्नमेंट इजाजत देगी। ये खबर सुनकर पाकिस्तानी बुरी तरह से बौखला चुके हैं और बीसीसीआई के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया शाहरुख खान से भी रिक्वेस्ट कर रही है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए वो पाकिस्तान आए और सारी दुनिया को एक मैसेज दे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और खास करके सलमान बट का रिएक्शन इस वीडियो में। जैसे ही पाकिस्तान में अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो आप ये देखें, आए ना, अगर भारत आता है चैंपियंस नहीं नहीं ये तो कोई उनको कहना चाहिए कि पाकिस्तान जाएं। अगर शाहरुख खान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलना चाहते हैं तो आए पाकिस्तान, तो उनके कहने से वो आ जाएंगे। देखिए बात ये, उनका कहना, उनके आना ना आना एक अलग बहस है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है ना, इंडिया की टीम अगर फर्ज कर ले नहीं आती ना, पहले तो वो सबसे ये कहना अपनी अपनी हुकूमत को कहेंगे इंडिया की टीम को पाकिस्तान भेजा जाए, तो उनके कहने से वो भेज देंगे। देखिए ना भेजे यार, देखिए बात ये है, ना भेजे उनके कहने से, वो तो ये कह सकती है ना। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं हमारे कहने कि इंडिया को आना चाहिए, तो हमारे कहने पे उन्होंने भेजना है, हमने तो अपनी दाई दे दी है ना, हमारा मुल्क तो तैयार है उनको हमने अपनी करने के लिए। तो शाहरुख खान को भी मैं रास्ता ही बता रहा हूँ ना खान साहब को, कि कैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिला जाता है, जो आपने खबर बयान की है, तो उस खबर के हवाले से ये है, तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, खान साहब भी आए, उनके और लोग भी पाकिस्तान में आए, यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस लाहौर में देखें, जहाँ जहाँ उनकी टीम ट्रैवल करेगी उनके साथ ट्रैवल करें, देखें आप यहाँ पर आकर के लोग आपको कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। आप जिस जगह भी जाएंगे आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो इंडियन क्रिकेटर्स को, देखें विराट कोहली की कितनी बात होती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं साबिक क्रिकेटर्स वो उनके बारे में कितनी, लेकिन आप सब देखें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान में चाहे पाकिस्तान से तो इंडिया जाते हैं लोग, ठीक है, हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी जाते हैं, हमारे पास बड़े बड़े नाम है, आतिफ असलम है, राहत अली खान है, फवाद खान है, सब लोग जाते हैं, लेकिन इंडिया से बहुत अरसा हो गया कि कोई भी सेलिब्रिटी या कोई आप कह लें कि कोई बड़ा नाम जो है, फॉर एग्जाम्पल कोई खिलाड़ी है, बहुत अरसे से पाकिस्तान आया नहीं है। और बात जहां तक बीसीसीआई की है, जैसे वो कहते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट चाहेगी तो हम ये अमल जरूर करेंगे, तो इंडिया से लोग ख्वाहिश रखते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ बढ़े, ना सिर्फ आम लोग, ना सिर्फ खिलाड़ी, बल्कि सेलिब्रिटीज भी ख्वाहिश करते हैं कि वो पाकिस्तान आए। अभी हाल ही में आप देखिए संजय लीला बंसाली जो है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से मुझे जितनी मोहब्बत मिलती है, मुझे तो ऐसे ही लगता है हम आज भी है क्या। तो बात करने का मकसद, खबर सुनाने का मकसद ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट को ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे क्या तनाजात हैं, बल्कि उनको अपने खास लोग जो दिल ही दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश रखते हैं या उनका इजहार करते हैं, उनको अपने उनको सुनना चाहिए और उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए, इन दूरियों को खत्म करना चाहिए, एक बॉर्डर तक की दूरी है उसे आगे पार करना चाहिए। इसी के साथ साथ एक और बात ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि रोहित शर्मा ने कहा कि वो टेस्ट सीरीज खेलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी दिल में एक चाहत है कि हम पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हो, दुनिया जानती है, दुनिया देखती है पाकिस्तान और भारत का मैच। इंडिया की टीम जो है वो तैयारी कर रही है, इंडिया का क्रिकेट बोर्ड जो है वो तैयारी कर रहा है इंडिया की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान भेजने के लिए, लेकिन साथ साथ वो एक और काम भी कर रहे हैं कि बी या सी टीम को जो है वो पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर रहे हैं, और उसके अंदर कोई स्टार खिलाड़ी जो है वो इंडिया की टीम के अंदर नजर नहीं आएगा। और इस तरह एक तरह से अपनी टीम भी भेज दी, और दूसरी तरफ जो है वो आईसीसी के जो पाबंदियां हैं उससे भी बच गए, और तवज्जो ये रहेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो है आईपीएल चल रहा है, इसलिए हम अपने खिलाड़ियों को जो है वो आराम देंगे, चैंपियंस ट्रॉफी इसलिए हम जो है इतना सीरियस नहीं ले रहे, पाकिस्तान के अंदर हो रही है, अगर पाकिस्तान के अंदर नहीं होती तो शायद इंडिया की टीम जो है वो सीनियर तरीन टीम के खिलाड़ी जो है वो जा रहे होते, लेकिन पाकिस्तान भेजना है इसलिए
कोई भी स्टार खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करे, ये इंडिया के अंदर सोच पाई जाती है और इसके लिए जो है वो तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। पाकिस्तान को भी इंकार नहीं होगा, आईसीसी को भी इंकार नहीं होगा और अपनी टीम भी भेज दी जाएगी। सीनियर्स के बगैर जूनियर टीम भेजकर जो है वो पाबंदियों से भी बच जाओ और अपना जो है उल्लू सीधा करो, बाकी सब जाए भाड़ में, ये वाली सोच जो है वो इंडिया के अंदर पाई जाती है। राजीव शुक्ला साहब ने ये कहा है कि अगर हुकूमत इजाजत देगी तो ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की टीम सफर करेगी भारत का। तो ये एक तरह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये उनका पॉलिसी स्टेटमेंट इसको समझा जा सकता है, क्योंकि राजीव शुक्ला साहब एक सीनियर ऑफिशियल हैं बीसीसीआई के। इंडिया की तरफ से पॉलिसी स्टेटमेंट आया तो यही आता है, और आता क्या है इनकी तरफ से, एक वो कह लें कि एक कोटिंग है इस इन अल्फाज की हर दफ़ा की तरह, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सोची समझी ये प्लानिंग के तहत इस तरह होता है। और आई डोंट नो कि सारी दुनिया जहां आ सकती है वहां पे इनको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक कह लें कि किसी जहां जहां भी ये जाते हैं क्या उधर सिक्योरिटी के बगैर होते हैं, जिस जिस जगह भी जाते हैं प्लेयर इंटरनेशनली खेल रहे हैं, इंडिया में टीम आते हैं तो सिक्योरिटी के बगैर होती है, या श्रीलंका में जाते हैं सिक्योरिटी के बगैर होते हैं, बांग्लादेश में, कहीं भी दुनिया में, और बहुत अच्छी और फुल प्रूफ सिक्योरिटीज मिलती हैं, प्रेजिडेंशियल सिक्योरिटीज मिलती हैं। तो आई थिंक ये एक पॉलिटिकल जो है ना पॉलिसी रिगार्ड्स टू पाकिस्तान, और इसके अलावा जो है इसका और कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इंडिया की जो टीम है वो किसी डिफरेंटली उसको ट्रीट किया जाए, किसी और टीम को डिफरेंटली ट्रीट किया जाए। यहाँ पर लोग हैं वो हर आने वाले इंटरनेशनल प्लेयर को, बल्कि इनफैक्ट इनको ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, ज़्यादा इनका ख्याल किया जाता है और हर तरह से ज़्यादा प्रेफरेंस भी दी जाती है। बट अनफॉर्चुनेट है द वे देयर गवर्नमेंट रिस्पॉन्स पाकिस्तान हो गया आईसीसी के इवेंट में। अच्छा की आदत तुम लोग सुधारते क्यों नहीं यार, बैठे बैठे पिछवाड़े में अंगल दे देता हमारे और फिर हमको तकलीफ होती है, हमको फिर बरनाल वगैरह लेना पड़ जाता है। मतलब यकीन करो जो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जय शाह यूं उंगलियों पर नचा रहे हैं, इसके बारे में क्या मैं बोलूँ तो बोलूँ, क्या करूँ तो करूँ, क्या जाऊँ तो जाऊँ, हम पाकिस्तानी क्या करें, मर जाए नहीं, हम खुदकुशी करें तो करें क्या भाई, गटर में कूद के जान दे दे अपनी। तो देखा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और खास करके सलमान बट बुरी तरह से बोखला चुके हैं, जिस तरह से बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला का बयान सामने आया है चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी पूरा जोर लगा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग को लेकर। एक तरफ पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि भारत की टीम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगी, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी ये सपना भी देख रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के वक्त भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान भी पाकिस्तान आए। हालांकि ना तो भारत चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में जाएगा और ना ही बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान भी पाकिस्तान जाएंगे। यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से अभी से रो रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सुझाव भी जरूर दें। और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।